हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लेटेस्ट यूजीसी का जो गाइडलाइंस आया है उसके बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये गाइडलाइंस दिया गया था कि सी को अपना जो रिज़ल्ट है वो थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी तक डिक्लेयर कर दे है और इसी के बाद जो है यू यू या फिर जितने भी अलग आपके इंस्टीट्यूशन्स हैं नॉट यू सॉरी यू जी तो यू ने बोला था कि एक बार सी का जो डेट है वो फाइनलाइज हो जाता है फिर वो अपनी गाइडलाइंस निकालेगी तो फाइनली आज यू की तरफ से गाइडलाइंस निकाला गया है उसमें उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर निकाला है एकेडमिक कैलेंडर निकाला है कि सारे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को कब तक अपने जो एडमिशन प्रोसेस के सारे काम है वो ख़त्म कर लेना है तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये चल रहा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी लाइक बी एच यू जे एन यू डी यू पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी इन्होंने अभी तक अपना कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है तो अगर मान लीजिए यू जी सी की तरफ से गाइडलाइंस आ जाता है तो क्या सडनली एक से डेढ़ महीने में ये सारा प्रोसेस कम्प्लीट होगा तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो यू जी सी का गाइडलाइन है उसमें क्या बोला गया है और वीडियो के लिंक में आपको हम लोग वो लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली यूजीसी का जो गाइडलाइंस इशू किया गया है उसको देखना है तो सी का जो फाइनल डेट है वो है थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई जहाँ तक उनको अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करना है यू ने जो गाइडलाइन कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए निकाला उसमें उन्होंने ये बोला है कि ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेम्बर तक सारे जो एडमिशन प्रोसेस है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपका एकेडमिक सेशन 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन है ये फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाना चाहिए लेकिन यू जी के गाइडलाइन में एक कैच है कैच ये है कि वहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट टू द एडवाइजरी इशूड बाय द एपैक्स अथॉरिटीज सब्जेक्ट टू द एडवाइजरी इशूड बाय बायक्स मतलब ये ये बोल रहा है यूजीसी ये बोल रहा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो ये चीज़ फॉलो करना है कि इस टाइमलाइन तक ट्वेंटी नाइन्थ और सेप्टेम्बर तक आपको अपना एडमिशन प्रोसेस इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेना है मेरिट बेस्ड लेना है वो सारा कंप्लीट करके रिजल्ट डिक्लेयर कर देना सो डैट so कि आप फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन से आप इस साल के एकेडमिक सेशन आप क्लासेस से स्टार्ट कर सकते हैं चाहे आप ऑनलाइन मोड में कीजिए ऑफलाइन मोड में कीजिए या मिस्ड कीजिए लेकिन ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जो एपेक्स अथॉरिटी है और आप लोग जैसा जानते हैं अभी के टाइम में जो एपेक्स अथॉरिटी जो काम कर रही है क्योंकि पैंडमिक को डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डी एम ए जो एम एच ए के अंदर है ये सारा डिसीजन ले रही है कि आपका एकेडमिक प्रोसेस या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी किस कब खोलेगा कब नहीं खोलेगा यानी अगर ये इनके तरफ से एडवाइजरी इशू होता है तभी आ, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा मैं आपको बता दूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली इस स्टूडेंट्स ये परेशान हो गए हैं कि क्या दो महीने में सारा प्रोसेस हो पाएगा दो तीन महीने का समय है मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी सेम इस टाइप के एडवाइजरी यू के द्वारा इशू किया गया था लेकिन वहीं बहुत सारे स्टूडेंट को जो नहीं पता है कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम कब हुआ था अगर हम लोग डी का बात करते हैं तो डी का जो एग्ज़ाम है ये सेप्टेम्बर में हुआ था वहीं अगर हम लोग जे की बात करते हैं तो जे का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में हुआ था सेकेंड सेकेंड वीक छः अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था और ये आ, 11 या ट्वेल्व अक्टूबर तक चला था और पूरा अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ था फिर फाइनली नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और इसके साथ ही दिसंबर में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये तो हो गया जे का तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जितने लोग पैनिक कर रहे हैं यूजीसी को लेकर तो आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है दूसरा वो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि अपना अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं या एग्जाम नहीं हुआ है तो उसमें यू ने भी बोला है कि आपके पास जो है फिफ्टींथ अक्टूबर तक का टाइम है आप मार्क्स डिक्लेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक अपना यू जी का भी एग्ज़ाम नहीं लिया है और ये सेम चीज़ हम लोग ने लास्ट ईयर देखा था लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो जब जे एन यू का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा था उस समय पूरे इंडिया में अराउंड सिक्सटीन या सेवेंटीन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम क्लास कर रहे थे और ये एक मिसफॉर्चुनेट वाली बात थी कि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे क्योंकि उनका जे एन यू का एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो उनके अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम हैं वो सारे क्लास कर रहे थे तो वो सारे स्टूडेंट अभी साल अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इस बार भी कोशिश की जाएगी कि मान लीजिए अभी तक तो कुछ भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है लेकिन जो हम लोगों का इंटरनल न्यूज है सोर्सेस उससे ये पता चल रहा है और ये चीज़ हम लोगों ने पहले से ही जून में जून से ही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इस बार भी जे का एग्ज़ाम होपफुली अक्टूबर में ही होगा क्योंकि उससे पहले कोई चांस नहीं है होने का और अब देखिएगा कि बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो कि पेपर के कटिंग में डाल देते हैं कि अब आएगा अब आएगा एग्जाम भाई साहब जब आना होगा तो वो आ जाएगा और पेपर कटिंग का यूजुअली क्या होता है ना कि वो किसी भी एक कलर से जाके पूछ लेते हैं भैया बताइए कब होगा तो वो कलर बोल देता है सर अब तो होने ही वाला है वो तुरंत एक रिपोर्ट बना देता है पेपर में कोई भी दैनिक जागरण सॉरी या कोई भी आपके लोकल न्यूज़पेपर में वो छाप दिया जाता है और बच्चे जो हैं उस चीज़ को लेकर परेशान होते चले जाते हैं तो इस इसमें हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और बाकी जो बहुत सारे लोगों का कॉल्स आ रहे हैं कि जामिया का क्या होगा क्योंकि अभी तक जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो जामिया को होपफुली चांसेस हैं कि जो इनिशियल एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो जाए आ, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है क्योंकि आ, कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर फिर से लॉकडाउन इम्पोज़ कर दिया गया है कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज़ किया जा रहा है और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है अगर आप यूपी की बात करते हैं झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जा, जा रहा है तो इस चीज़ को भी लेकर थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाए जमए जैसे एग्ज़ाम में तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में कंडक्ट कराया जाता है लेकिन बाकी आपके जितने जो एग्ज़ाम्स हैं वो, वो पूरे इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली फॉर जे एन के अगर आप एग्ज़ाम लें ड्यू का आप एग्ज़ाम लें तो ये पूरे इंडिया में एन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है तो एन को इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पे वो लॉकडाउन नहीं हो ताकि मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हो सके और बाकी इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो चीज़ हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन हाँ फिर भी मान के चलिए कि सितंबर 15 से लेके अक्टूबर 15 तक ये एक महीने का विंडो है जहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा इस्पेशली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की हम लोग बात करते हैं तो फिफ्टी सेप्टेम्बर uh, से ले फिफ्टीन अक्टूबर के बीच में डी यू जे एन यू का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का चांसेस हैं जे का जो एग्ज़ाम होगा होपफुली ये आप मान के चलिए कि एक से पंद्रह अक्टूबर के बीच में वहीं अगर हम लोग डी की बात करते हैं तो पंद्रह से लेकर तीस सेप्टेम्बर के बीच में चांसेस हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे फाइनल इन्फॉर्मेशन जो भी होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा और वो बताया जाएगा लेकिन होपफुल आप इस तरीके से अपना एक आप प्लान कर लीजिए कि ये शेड्यूल है इस तरीके से अब हमको अपना प्रिपरेशन तैयार मतलब पूरा प्रिपरेशन करके तैयार रहना है कि जैसे ही एग्ज़ाम का आएगा आपको बता दिया जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही इसके अलावा आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और वहीं पे हम लोगों का नंबर भी दिया रहता है जहाँ पे आप जो है जाके हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल क्लासेस कुछ भी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो एग्ज़ाम टी की तरफ से वो सारी चीज़ें लाई जाती हैं आपको हम लोगों को व्हाट्सएप करना है हम लोगों का जो नंबर है यह एट फोर फोर एट एट सेवन एट एट फोर नाइन इस पर आप मैसेज कीजिए कॉल कीजिए हम लोग आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे और आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए थैंक यू